अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल में आपका ढेर सारा वेलकम है। दोस्तों, आज मैं आपसे बॉडी लग्जरी के वाइटनिंग सनस्क्रीन का रिव्यू करने वाला हूं। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा सनस्क्रीन है। इसके अंदर जो है ना, वो हल्का सा पीच टिंट होता है। जब आप इसको लगाएंगे ना, तो आपके फेस पर इंस्टेंट ग्लो आ जाएगा। ये बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है आपके फेस पर ग्लो लाने के लिए। एक तो ये सन की जो यूवी ए यूवी बी रेस होती है, उससे आपकी स्किन को प्रोटेक्ट रखेगा। दूसरा, आपकी स्किन पर ग्लो लाएगा। इसका जो SPF है ना, वो 60 है। तो दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं सनस्क्रीन लगाना क्यों ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, पहले ये बात समझने वाली है कि सन से तीन तरह की रेस आती हैं, यूवी ए रेस, यूवी बी रेस और यूवी सी रेस। जो यूवी सी रेस होती है ना, वो अर्थ के एटमोसफेयर से ऊपर ही ब्लॉक हो जाती है, वो हमारे तक नहीं पहुंच पाती। जो दो रेस हमारे तक पहुंचती है ना, वो यूवी ए और यूवी बी रेस होती है। जो यूवी बी रेस होती है ना, वो शॉर्ट रेस होती है। इसकी वजह से हमारी स्किन पर टैनिंग, डलनेस और सनबर्न भी इसकी वजह से ही होता है, ठीक है ना। और इसके अलावा जो यूवी ए रेस होती है, वो लॉन्ग रेस होती है। वो स्किन के अंदर से जाकर सेल्स को डैमेज करती है, जिसकी वजह से हमारे फेस पर रिंकल्स, फाइन लाइंस, प्री मेच्योर एजिंग और क्रोज फीट जैसे सिम्टम बहुत जल्दी दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। और हमारे सेल्स जो है ना, वो बहुत ज़्यादा झुलस जाते हैं। उनमें जो है ना, हमारी स्किन पर से ग्लो चला जाता है। और अगर हम सनस्क्रीन नहीं ना लगाते, तो हमारे फेस पर टैनिंग आ जाती है, डलनेस आ जाती है। जो टैनिंग है ना, उसको हटाना बहुत मुश्किल काम होता है जब एक दफ़ा आ जाए। तो सनस्क्रीन लगाना जो है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। घर के अंदर है फिर भी लगाना। जो यूवी ए रेस होती है ना, वो घर के अंदर भी आती है, ठीक है ना। तो आपने जो है ना, वो सनस्क्रीन ज़रूर लगाना। ये बहुत ही अच्छा सनस्क्रीन है। इसका SPF जो है ना, वो 60 है। अब जो SPF फैक्टर का मतलब होता है ना, किसी भी सनस्क्रीन पर SPF फैक्टर का मतलब ये होता है कि वो कितनी देर तक आपको यूवी ए बी रे से प्रोटेक्ट रखेगा, ठीक है ना। SPF 60 है तो 3-4 घंटे बाद आपको दोबारा लगाना पड़ेगा। अगर 90 है तो 4-5 घंटे निकाल जाएगा। अगर इससे कम है तो वो जो है ना, आपका 2-3 घंटे निकालेगा। फिर 15 वाला भी आता है, 25 वाला, 30 वाला भी आता है। तो जितना कम SPF होगा, वो उतना ही कम जो है ना, वो टाइम निकालेगा। तो SPF फैक्टर का ये मतलब होता है। कुछ सनस्क्रीन के ऊपर आपने लिखा ये देखा होगा कि उस पर लिखा होता है PA++++। तो PA++ का ये मतलब होता है कि वो जो यूवी ए रेस होती है ना, उससे प्रोटेक्ट रखता है, ठीक है ना। तो PA के आगे जितने ज़्यादा प्लस होंगे, वो उतना ज़्यादा देर तक आपको यूवी ए रेस से प्रोटेक्ट रखेगा। मैंने देखा है कि लोग ये सोचते हैं कि हमारी स्किन पर जो है ना, SPF 90 वाला है तो कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए, हमें कम से कम लेना होता है। ये डिपेंड करता है कि अगर आप घर के अंदर रहते हैं ना, तो आप SPF जो है ना, 15 वाला सनस्क्रीन ले सकते हैं। और अगर आप जो है वो कहीं बाहर जाते हो, सन को ज़्यादा एक्सपोज करते हैं, तो फिर आप SPF 60-90 वाला भी ले सकते हैं। तो ये गाइस बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। इससे ग्लो तो आएगा, डर्माटोलॉजिस्ट टेस्टेड है। और 75 ml की इसकी जो है ना, प्रोडक्ट क्वांटिटी है। और इसकी MRP जो है ना, वो 550 है। बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है, आप ज़रूर बाय करें। अगर आप चाहते हैं ना कि आपको बेस ना लगाना पड़े और आपकी स्किन पर ग्लो भी आए और आपके फेस के इम्परफेक्शन भी छुप जाएं, तो ये बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है, आपने ज़रूर यूज़ करना है। तो अगर अच्छा लगेगा, आपने इसको बाय करना है। अगर अच्छा लगेगा तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ गाइस लाइक ज़रूर किया करें, शेयर करें मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय गाइस।